व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करें कुछ गलतियों के बारे में जो टीम माफियाज दोहरा रही है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स। कल ही विलेजर ईस्पोर्ट्स का एक शोडाउन शुरू हुआ जहां पे टीम माफियाज ने काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दिए, बट स्टिल वो फिनिशिंग लाइन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे जो आई थिंक जनवरी एंड दिसंबर के एंड वक्त पे जो टीम माफियाज, जो टोटल गेमिंग की टीम एक शानदार रन पे चल रहे थे, वो गायब हो चुका है। तो थोड़े बहुत गलतियां हो रही हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, वो जरूर से मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके दिखाना चाहूंगा। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। हम लोग बहुत ज्यादा पास है 12,000 सब्सक्राइबर्स के, तो ज्यादा वक्त जाया करते हैं, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखिए, हर एक टीम का ना एक टाइम आता है, एक समय आता है, एक गोल्डन पीरियड आता है कि उस रन में वो टीम बहुत रन से टूर्नामेंट जीते जाते हैं। वो टोटल गेमिंग का पहले भी आया है, वो ओजी इलीट का था बेसिकली, तब इलीट थे वो, ओरांगोटैंग नहीं थे। ये देसी गेमर्स का भी आया था, ये हमारे सिक्स सेंस की टीम का भी आया था, ये निग्मा गैलेक्सी का भी आया था। तो ये हर एक टीम का एक रन आता है जो वो अपने फॉर्म के पीक पे होते हैं एंड वो उस टाइम पे एक के बाद एक टूर्नामेंट जीते जाते हैं एंड वो मोमेंटम की बात होती है। तो ऑफ कोर्स वो मोमेंटम थोड़ा सा गायब हुआ है, शिफ्ट आउट हुआ है, जिस वजह से यहां पे टोटल गेमिंग की टीम की तरफ से अभी टूर्नामेंट में जीत हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली आप देख लो, ये एक हेड ऑन हेड फाइट है, ठीक है, 4v3 सिचुएशन। टोटल गेमिंग की टीम रिच के नीचे है एंड आपके TSM की टीम रिच के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स पोजीशनिंग में यहाँ पे गलती हुई है, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि पोजीशनिंग में गलती है यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में फ़ायदा आप तभी उठा सकते हो जब सर्कल नीचे खींचा जा रहा है, सर्कल नीचे खींचा नहीं है। ये चार सिलेंडर्स हमें पता है रिफाइनरी के पास खींचा जा चुका है एंड ऑलरेडी TSM के पास ऊपर प्लेटफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स वो नीचे उतरने ही नहीं वाले हैं। मैं अगर यहाँ पे सिचुएशन में प्ले भी करूँगा तो आप देखिए, मतलब कोशिश अच्छा था माफिया की तरफ से, बट पहला नॉक यहाँ पे माफिया बाला हो जाते हैं जो नीचे की तरफ मौजूद थे, माफिया यहाँ पे फंस जाते हैं। अब देखिए, इमीडिएटली आइस ग्रेनेड डाल दिया गया ताकि जो भी एक प्लेटफॉर्म का एरिया है, जो प्लेयर ग्रैपलिंग गन यूज़ करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उसको आने का मौका ही नहीं दिया जाए। क्यों आप चांस लेना चाहोगे एज अ टीम, चांस लेने ही नहीं दिया इनसेन एंड यहाँ पे TSM के प्लेयर्स ने। अंकित ऑलरेडी नीचे से पुश इन कर गया तो ग्लू वॉल तो हटने ही वाले थे, माफिया के लिए नामुमकिन था सिचुएशन में सर्वाइव कर पाना। अब लौता प्लेयर अकेला ड्रेगो बच जाता है, बट अब देखिए कितना टफ है ये सिचुएशन, यही प्रॉब्लम है ये हायर रेंज लोअर रेंज वाला सिचुएशन में। अगर आप सर्कल में होते भी हो, अगर आपके पास प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं है, तो आप ऑफकोर्स वो मैच जीत नहीं पाओगे। देखिए, बड़े आसानी से वहाँ पे खत्म कर दिया गया, ड्रेगो अकेला बचा हुआ था। मैंने सोचा कि वहाँ पे शायद नेट से कमाल कर सकते, बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी प्लेयर था, कवर करने के लिए घेरा गया। आई थिंक यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ। सो प्रॉब्लम ये था कि सर्कल होने के बावजूद पोजिशनिंग नहीं था टोटल टीम माफियाज के प्लेयर्स के पास, जिस वजह से यू नो कन्वर्जन नहीं आया बुया में। अब दूसरा सिचुएशन इस मैप में, अब देखिए टोटल गेमिंग का मैं ये फाइट दिखाना चाहता था स्पेसिफिकली, क्योंकि इस मैच टोटल गेमिंग का एक डोमिनेशन आया था, एक रन था, उन्होंने कम से कम 10 से 13 किल निकाले हैं इस मैच के दौरान। बट आई थिंक ओजी इलीट ने एक एक्चुअली ओजी नहीं टीजी आर्मी ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, अब सर्कल का पोजीशन देख लिए, इनके पास सर्कल है, ठीक है, बस उनको डिफेंड करना है। अब दो तरीके के फाइट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा, दो तरीके से फाइट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप खुद सर्कल में हो या फिर पोजिशनिंग हो, तो आप उस सिचुएशन में एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल एंड पोजिशनिंग एक और चीज, दूसरा होता है सर्कल होना और पोजिशन ना होना, ठीक है। सर्कल में भी आप एक ऐसी पोजीशनिंग ले सकते हो जहां से आप एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो, जैसा कालाहारी के मैप पे सर्कल दोनों टीमों के पास था, बट TSM के पास एडवांटेज वाला सर्कल का पोजीशनिंग था। इस पार्ट पे टोटल गेमिंग के पास दोनों था, बट स्टिल वो डिफेंड नहीं कर पाए सिचुएशन को। यहाँ पे उनको गेटकीप करना था आपकी इस टीम को, TSG आर्मी को। अब इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाता हूँ, ये देखिए पोजीशनिंग देखिए, ठीक है, अब कितना ओपन में है आपके जो ये प्लेयर जो ओपन में निकला है माफियाज का, ये कितना ओपन में आइकॉनिक यहाँ पे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आइकॉनिक अगर यहाँ पे नॉक हो भी जाता है तो, क्योंकि उसको पीछे से कवर फायर मिल रहे थे कि इमीडिएटली यहाँ पे कवर फायर क्रिएट हुआ। चलो ठीक है, काउंटर नॉक आया, ठीक है, सामने से इमीडिएट काउंटर नॉक आया, बट कंटिन्यूअस प्रेशर आप देख रहे हो, किलर को यहाँ पे मौका मिल चुका आगे घुसने का, ड्रेगो यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं माफिया वाले को, क्या फायदा, यहाँ पे दोनों को नॉकआउट किया जा चुका, पीछे से कंटिन्यूअस कवर फायर आ रहा है और किलर ने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ऑफकोर्स आप इस लेवल के एक प्लेयर को यू नो अगर आप खुला छूट दे दोगे, इतना बड़ा छूट दे दोगे, ऑफ कोर्स वो तो आपको डैमेज देगा। एंड उनके जो सपोर्ट प्लेयर थे माफिया, वो अभी भी देखिए पीछे से कवर क्रिएट नहीं कर पाए एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, कि जब आपके रशर्स रश कर रहे थे, जब यहाँ पे किलर आ रहे थे, तो पीछे से आपने देखा कि कैसे आई थिंक ओजस्वी थे वो SVD के साथ, कितना ज़्यादा कंटिन्यूस स्पैम आ रहा था, तो उनके जो लॉन्चर प्लेयर है उनको पहले गेम से निकाल दिया गया, माफिया वाला रिवाइव हो रहे थे उनको निकाल दिया गया, ड्रेगो को किलर ने जाके वहाँ पे इमीडिएट नॉक कर दिया, माफिया को शॉट लेने का मौका ही नहीं मिला। एंड ऑफकोर्स अब जब तीन प्लेयर आपके ढेर हो चुके हैं, आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में देखिए, ये वाइटैलिटी के साथ का एक फाइट है, ठीक है, ये कालाहारी आखिरी मैप था, ये कालाहारी में आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा इनका
जो ड्रॉप है सेंटा कैटरीना एंड स्टोनरिज का वाइटालिटी, क्योंकि वाइटालिटी में इंद्रो भाई का काफ़ी पहले से जब सिक्सर्स में तब स्टोनरिज में जाते थे, ये जो एक लड़ाई है ये काफ़ी पुराना है इनका। और अब देखा जाए तो रोटेशन पैटर्न इनका बहुत सिमिलर हो गया, तो ये लोग कमान पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते, कमान पोस्ट जैसे ही बढ़ते हैं इनका फाइट हो जाता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो दूसरी टीमें हैं आस पास कमान पोस्ट के, वो फायदा उठा जाते हैं इस सिचुएशन, कभी गॉड लाइक तो कभी कोई टीम। अब इस सिचुएशन में देखिए दीपू किस तरीके से यहाँ पे कवर फाइट ट्रेटिंग कोच कर, बट इस सिचुएशन में चलो फाइट ये जीत जाते हैं, टोटल गेमिंग की टीम ने ये फाइट जीता है, मैं आपको पहले ही यू नो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये फाइट जीता है। बट इस फाइट ये फाइट जीतने के बाद का सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्जैक्टली ये दिस वॉज माई पॉइंट। कमान पोस्ट पर गॉड लाइक की टीम का रोटेशन रहता है हमेशा, क्योंकि कमान पोस्ट पर गॉड लाइक की टीम जाती ही है। तो अब जब टोटल गेमिंग की टीम इतना आगे चली जा चुकी है, गॉड लाइक को पता लग चुका है टोटल गेमिंग के प्लेयर्स के साथ अभी जस्ट फाइट हुआ है, तो हमें अब अगर अभी अगर हमें पुश करने का मौका मिलेगा हम एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। अब टोटल गेमिंग की टीम की क्या गलती, मैं यहाँ पे बताऊँ मिस्टेक कहाँ पे हुआ, कि उनको पता रहना चाहिए कि गॉड लाइक कि या फिर कोई भी टीम कमांड पोस्ट पे रह सकती है जो हमें थर्ड पार्टी 100% करने वाला है, सर्कल का यू नो एकदम सर्कल कटने वाला सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन प्रिपेयर्ड नहीं थे गॉड लाइक के लिए, ठीक है, एंड उसी सिचुएशन का फायदा उठा जाते हैं गॉड लाइक के प्लेयर्स, पुश कर जाते हैं एंड संभाला नहीं गया था उस सिचुएशन में। ये देखिए ना यहाँ पे देखिए माफिया अकेला है, आई थिंक दो प्लेयर आपस में बट गए थे, ये कवर फायर अगर माफिया यहाँ पे नॉकआउट हुआ कोई कवर फायर देने वाला है नहीं। देखिए इमीडिएटली यहाँ पे गॉड लाइक के प्लेयर्स चारों के चारों प्लेयर्स पुश कर रहे हैं, बट फिर भी माफिया द प्लेयर ही इज एक नॉक वो निकालते हैं। बट आप देखिए डेस्परेसी देखिए, आप बचने का कोई चांस लग रहा है आपको, यहाँ पे बचने के चांसेस कितने कम है, डिलीट कहाँ पे 1 HP पे छोड़ा गया है, डिलीट कवर फायर दे नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम है। ये होता है ऑफ गार्ड पोजिशनिंग, इसे कहते हैं ऑफ गार्ड पोजिशनिंग। अगर माफिया यहाँ पे कुछ मैजिकल पुल ऑफ करते कि एक दो प्लेयर को नॉक कर देते तो मौका मिलता वहाँ पे फौजी या फिर डिलीट में से किसी को कि थोड़ा काउंटर करे, बट काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है डिलीट को देखिए कहाँ पे 1 HP पे, मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, नो चांस, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था, एक्जैक्टली नो चांस, यहाँ पे टोटल गेमिंग की टीम को एलिमिनेट किया गया। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो अभी टोटल गेमिंग के साथ हो रहा है, मतलब टीम माफियाज के साथ ऑब्वियसली, एक्चुअली मेरी गलती, माई बैड फॉर टोटल गेमिंग, बट पोजीशन होके पोजीशनिंग एंड एडवांटेज पोजीशन में रह के कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, फाइट्स हार रहे हैं, तो थोड़ा सा फाइट्स में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फायर पावर की कमी है, फायर पावर तो बहुत ज़्यादा है, बट लोगों को ना काउंटर करना आ गया है। जो ड्रेगो के पास जो एक्सपेक्टर था ना ग्रेनेड का, तो अब लोगों को पता है कि पहले ड्रेगो को दबाओ, ड्रेगो को सप्रेस कर दो, उनके पीछे जो हमेशा माफिया रहते हैं सपोर्ट एज अ सपोर्ट, उनको डाउन कर दो, क्योंकि फौजी भाई नहीं है। फौजी भाई का रोल क्या है, वो गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, आगे जाके पुश करते हैं। अब हमेशा देखना कि फौजी भाई ने रिसेंट टाइम में जब भी उन्होंने गेम्स खेले हैं बाइक लेके हमेशा आगे जाने वाले प्लेयर वही होते हैं, तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम फिर सामने वाली टीम को होता है कि उनके लिए काउंटर बनाना, और फिर माफिया का फिर गेम प्ले आता है कि यहाँ पे पीक करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा ना, सामने वाला पीक करेगा तब आप नॉक निकालोगे ना, वो नहीं हो रहा ना, सामने से रश आ रहा है आप संभाल नहीं पा रहे, वो सिचुएशन में फंस रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम जो यहाँ पे हो रहा है टोटल टीम माफिया के साथ, तो वो जरूर से फिक्स आउट करेंगे यहाँ पे। अभी तो माफिया वाला संभाल रहे, तो आई थिंक थोड़ा टाइम देना चाहिए उनकी टीम को। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेल रहे, मैं फिर से बोलूँ ऐसा नहीं कि बहुत बुरा खेल रहे, वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे, एंड आई थिंक टाइम आ जाएगा कि जब वो आपको फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया हो चीज़ें, अगर समझ आया तो उसमें मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको भी क्या लगता है कि क्या चीज़ें इंप्रूव किया जा सकता है उनकी तरफ से, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग भी गेम खेलते हो, आप लोगों को भी आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ सोल्यूशंस तो होंगे, मुझे जो लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड जरूर से वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, एंड सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना मेरे चैनल को। तब तक के लिए गाइस हंसते रहे मुस्कुराते रहे, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।